हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं चाय बनाने जा रही हूँ और टेस्टी चाय कैसे बनाएं और जल्दी कैसे बनाएं, आज मैं आपको ये बता रही हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आप मेरे से फटाफट ऐसी कौन सी रेसिपी है जो जल्दी बनाना सीखें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम चाय बनाते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अभी मैं घर में अकेली हूँ तो मेरे लिए एक कप चाय बहुत है। मेरा कप बड़ा है, आप छोटे कप से भी बनाइए। ये मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। अब हम पानी को जो है बॉईल होने देंगे। पानी जब हमारा बॉईल हो जाएगा ना अच्छे से, फिर इसमें हम ये इलायची, अदरक और चीनी चाय की पत्ती को ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल होने लग गया है। अब इसमें हम सबसे पहले चाय की पत्ती को ऐड करेंगे। मैं एक कप चाय बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने ये एक छोटा चम्मच, आप पत्ती तेज़ या कम पीते हो उसी हिसाब से चाय की पत्ती डालिए। मैं थोड़ा तेज़ पीती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। पत्ती डालने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप चीनी कम या ज़्यादा पीते हैं उसी हिसाब से डालिए। मैंने एक चम्मच और ये आधा चम्मच और डाला है, इतना काफ़ी है एक कप चाय के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है इसमें और चीनी चाय की पत्ती अच्छे से घुल जाएगी। अब हम इसमें अदरक और इलायची को डालेंगे। मैंने अदरक को इसमें अच्छे से कूट लिया है, साथ में इलायची को भी कूट लिया है। इलायची को कूटने से अच्छा टेस्ट आएगा अदरक के साथ मिक्स होके ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा ऐसे हिला दीजिए। अब इसमें अदरक और इलायची को अच्छे से मिक्स होने दीजिए। जब तक ये अच्छे से घुल रहा है, मिल रहा है ना, तब तक आप दूध निकाल दीजिए। आधा कप, आधा कप पानी और आधा कप दूध एक कप चाय के लिए बहुत है। देखिए ये अच्छे से मिल गया है, कलर भी अच्छा आ गया। अब इसमें हम आधा कप दूध डाल देंगे। चाय को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। बॉईल होने के बाद ही चाय की पत्ती का कलर आता है, तब चाय देखने में बहुत अच्छी लगती है। देखने में भी ऐसा मन करता है ना, उसको फटाफट पी लो। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार है। मेरी चाय मुश्किल से फ्रेंड्स 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। आप जैसी चाय ऊपर आती है ना तो गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए, नहीं तो चाय गिरने का डर है। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है और कलर भी बहुत टेस्टी आ रहा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय बनके तैयार हो गई है, क्योंकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है अदरक और इलायची की, और चाय पक चुकी है। अब आप जो है गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इतनी जल्दी देखिए इस तरीके से चाय तैयार हो गई और टेस्टी भी लग रही। अब हम चाय को कप में डालेंगे और अपनी चाय को इन्जॉय करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाय बनके तैयार हो गई है। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।